हेलो दोस्तों, माई न्यूट्रिश यूट्यूब चैनल पर आपको फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप विंडोज़ 10 कंप्यूटर या फिर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो आज का ये वीडियो, आज का ये कंप्यूटर ट्रिक्स आपके लिए काफ़ी मज़ेदार हो सकता है। लेकिन अगर आप विंडोज़ 10 इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आज का ये ट्रिक आपके काम में नहीं आएगा। तो कौन सा ट्रिक है, चलिए हम लोग वीडियो में देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आगे और पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो ट्रिक है ये विंडोज़ 10 कंप्यूटर में ही काम करेगा। तो जो ट्रिक है ये है कि मान लीजिए आप कोई फोल्डर बनाया है, आपके कंप्यूटर में बहुत सारा फोल्डर फाइल है। तो मान लीजिए मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, तो ये जो फोल्डर हम लोगों ने न्यू फोल्डर बना लिया है, तो इस फोल्डर के अंदर जो हम लोग नाम लिखते हैं, तो इस नाम के जगह हम क्या करेंगे, इधर एक इमोजी का आइकन यूज करेंगे, ठीक है। जो हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक में यूज करते हैं उसी इमोजी को हम लोग इस जगह, स्माइली को हम लोग इस जगह यूज करेंगे नाम के जगह, ठीक है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप आज की इस ट्रिक को फॉलो करके ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज 10 कंप्यूटर में आप कर सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको जो करना होगा, दो मेथड है। सबसे पहला मेथड एक कीबोर्ड शॉर्टकट की है, ठीक है। तो अगर आप इमोजी यूज करना चाहते हैं विंडोज 10 कंप्यूटर में, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक साथ विंडोज लोगो की, उसके बाद जो डॉट की है ना, उसको आपको दबाना है इस तरह। तो आपके सामने इस तरह का देखेंगे एक ऑप्शन इधर आ जाएगा इमोजी का, ठीक है। तो आपको जो करना है सिंपली ये गायब हो जाएगा। आपको हमेशा क्या करना होगा, विंडोज़ की प्लस आपको डॉट को एक साथ दबाना है। तो मान लीजिए मैं क्या करूँगा, ये जो फोल्डर है इस फोल्डर को रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने के लिए पहले फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कीबोर्ड से F2 या फिर राइट क्लिक करके आप रीनेम कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इधर अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है। जो हमारा नाम है परवेज लिख दिया, ठीक है। अब हम इसके बगल में एक इमोजी ऐड करेंगे। तो इमोजी ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कीबोर्ड के विंडोज़ लोगो की को दबाएंगे, उसके बाद डॉट की को दबाएंगे एक साथ। तो साथ ही देखेंगे इस तरह एक जो हमारा सामने एक इमोजी का जो कीबोर्ड आ गया है, कीप टाइपिंग टू फाइंड एंड इमोजी, ठीक है। तो आप जो इमोजी लेना चाहते हैं, इधर बहुत सारा इमोजी है, आप देखेंगे बहुत सारा इमोजी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो इमोजी आप इधर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये जो फायर का इमोजी है ये इधर ऐड करना है, तो मैं इसको इधर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये जो इमोजी है ना, ये हमारा जो आइकन है, मतलब फोल्डर है, फोल्डर में ऐड हो चुका है, ठीक है। आप देखेंगे ये छोटा सा ऐड हो चुका है, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। लिखिए ये देखिए ऐड हो गया है, ठीक है। और एक मेथड है फोल्डर में इमोजी को ऐड करने का, वो है कि आपको क्या करना होगा, ऊपर जो को टैक्स मैनेजर, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको शो टच कीबोर्ड बटन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको इधर एक कीबोर्ड का आइकन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो इधर आप देखेंगे आपको एक स्माइली का आइकन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा, तो आपके इधर कीबोर्ड मिल जाएगा, मतलब बहुत सारा इमोजी आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे ये जो इमोजी, इसको रीनेम करना है, रीनेम करके हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो इसके जगह हम लोगों को क्या करना है, हमको इधर से ये जो आइकन है ये यूज करना है। तो स्माइली को हम लोग ऐड कर दिया, तो देख अब देखेंगे स्माइली ऐड हो चुका है। मुझे अगर दूसरा, अगर इसके पहले हम लोग को ऐड करना है, तो हम लोग थोड़ा स्पेस देकर इसको हम लोग क्या करते हैं, फास्ट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग ये ऐड कर दिया, उसके बाद इसको ऐड कर दिया, तो आप देखेंगे ये इमोजी भी ऐड हो चुका है। तो इस तरह आप अपने विंडोज 10 कंप्यूटर के किसी भी फोल्डर में, किसी भी फाइल के नेम में आप इमोजी ऐड कर सकते हैं अपने विंडोज 10 कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को इस्तेमाल करके। तो यही था छोटा सा एक ट्रिक जो आप अपने विंडोज 10 कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है और ये ट्रिक अगर आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हर वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और इसी तरह का लेटेस्ट इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।